भाई ये रहता कहाँ का है, और तुमसे भूल जाओगे मुझे। कभी नहीं भुला देने वाली क्रिया जिंदगी में हो तुम्हारे, कभी मुझे हृदय में बिठाने की क्रिया तुम्हारे पास बनी, कभी तुम एहसास कर सकोगी बिना पास के भी दौड़ करके आ सको, दो दिन मेरे साथ विदित कर सको, तो वैसे भी चलाने चाहिए। आज का दिन और ये सभी दिन नवरात्रि के सभी दिन जब गुरु के साथ होते हैं तो प्रत्येक दिन आनंदमय ही होता है। वास्तव में तुम लोगों के बहुत बड़े अच्छे भाग्य हैं कि तुम लोग गुरु के पास बैठे हुए हो। शायद मेरे पास में कुछ न्यूनता है कि मैं गुरु से दूर बैठा हुआ हूं शरीर से, दूरी तो मन की नहीं होनी चाहिए, प्राणों की दूरी नहीं होनी चाहिए। कई गुरु बैठे रहे हैं दूसरे के अन्न डूबे हुए हों, वो मस्ति व आलम व आनंद एक अजब है। मैं आपको पहले प्रयोग करवा देता हूं दोनों, जिसको महाकाली और महालक्ष्मी प्रयोग की बाकी रह गया था, पहले मैं उसको संपन्न करवा देता हूं, फिर मैं इसकी इच्छा शुरू करता हूं। जो आपका सामग्री है वो दोनों यंत्र आप बाहर रखें, जिससे कि मैं उन यंत्रों की आपको प्राण स्टेट में युक्त बना सकूं, जैसा मैं कहूं वैसा आप करते रहें, और आगे का जीवन आप मुझे दे दें। अपना जीवन तुमने अपने ढंग से बहुत बहुत चलाया है, और इसको इसके साथ ही साथ एक दो लाइन और पहले कह दूं, क्योंकि दीक्षा के बाद नाम को ही कहता हूं मैं, आपके घर में निरंतर आप किस प्रकार से उस छल में दुनिया से कट सकेंगे, कौन सा रास्ता है, ये प्रश्न तुम्हारा सवाल है, क्योंकि वहां जाना ही पड़ेगा। तुम्हें मैं खुद भेज रहा हूं कि तुम्हें वापस अपने ग्रह में जाना है, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, तुम रुकोगे फिर मैं नहीं रोक पाऊंगा, मैं कहूंगा तुम्हें जाना पड़ेगा, मगर उस वातावरण में उसी छल खपट झूठ के बीच में तुम वापिस निर्लिप्त कैसे रह सकते हो, क्या तरीका है? और उसका तरीका यह है कि तुम्हारे घर में गुरु की आवाज गूंजती रह सके, ये तरीका है। रोज सुबह उठ करके उस आवाज को सुन सको, सत्यचित्त होकर के, तन्मय होकर के, और उस आवाज ब्रह्म है, वे शब्द ब्रह्म है, और वे शब्द वे ब्रह्म मैं गुरु 24 घंटे फिर आपके साथ रहेगा, फिर दूसरे दिन सुबह फिर कैसे सुन सको, फिर आवाज सुन सको, ये तरीका है। मुझे भी यही तरीका आजमाना पड़ता है, जब बहुत संतप्त हो जाता हूं तो उनकी वाणी को अपने ध्यानस्थ होकर के अपने गुरु की वाणी को सुनता रहता हूं, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, और वापिस मुझे चेतना वापिस जोश वापिस पूछने की क्षमता आ जाती है केवल उन शब्दों के माध्यम से। उन्होंने मुझे नहीं कहा तुम्हें पूछना है, मैं तो केवल उन शब्दों को सुनता हूं जो उनके मुंह से निकले हुए शब्द है, क्योंकि मैं सुनने में से उन शब्दों को पकड़ सकता हूं। अभी तुमने बस सुनता नहीं आई है तो तुम कैसे के माध्यम से उन शब्दों को सुन सकते हो? वह तुम्हारे लिए वह चाहे सिद्धार्थ संस्तवन हो, वह चाहे गुरु गीता हो, वह चाहे मेरे प्रवचन के कैसेट हो, वे आपके घर में गुंजित हो, और उसका प्रभाव आप पर आपके परिवार पर पड़ेगा, अच्छी चेतना पड़ेगी, शब्दों का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए उनको कुछ कहिए मत, बेटे को कहिए मत कि तुम ऐसा करो, वो अपना सुनने लगेगा, पत्नी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम ये सुनो वो अपना सुनने लगेगी, यह क्रिया अपने आप होगी, तुम इसको भी देखो। अब मैं आपको दीक्षा दे रहा हूं पूरी प्राणिक चेतना के साथ, और आप उसी पूरी प्राणिक चेतना के साथ दीक्षा को ग्रहण करें, और दीक्षा का तात्पर्य में साधनाओं के लिए तुम्हें दक्ष कर रहा हूं, तुम्हारा आश्रम तुम्हारा दृढ़ हो उसके लिए दक्ष कर रहा हूं, तुम्हें सिद्धियां तुम्हें प्राप्त हो उसके लिए मैं दक्ष कर रहा हूं, और गुरु तुम्हारे हृदय में स्थापित हो सके उसके लिए तुम्हें दक्ष कर रहा हूं। इसलिए सीधे बैठे
पूरा वर्षा स्थल तुम्हारा ऊपर खुला हो और पूर्णता के साथ जो प्रयोग में करूं, या तो आपके पास परमाशन लगाने की क्षमता और परमाशन लगाए, सुखासन लगाने की क्षमता और सुखासन और वीरासन लगाने, जो भी तुम्हारे तीनों में से कोई भी आसन लगाने की क्षमता हो वैसा आसन लगाए, मगर पवित्रता के साथ, भावनाओं के साथ, पूरी दिव्यता के साथ। सबसे पहले गुरु का चित्र आपके सामने है, चाहे वो तांबे का गुरु चित्र हो, चाहे जो आज कागज का दिया है गुरु चित्र हो, और चाहे तुम्हारे सामने गुरु हो, उनको प्रणाम करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमले नमः। ज्ञान मूलम गुरु मूर्तिर्पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु पद मूलकं करोति वाचालं पंगूलं हृदि गिरिं ये कृपात्म वंदे परमानंद मार्गम गुरुचरणे गुरुभ्यां नमः। तत्काल समस्त शरीर अंग प्रत्यंगे स्वाम चरणेश्वरभ्यां नमः। अब आप एक एक अंग गुरु को समर्पित करेंगे, ये क्रिया है, ये चल मैं जहाँ आपके सिर पे हाथ लगाऊं, आप उसके सिर पे हाथ लगाएंगे, जिससे सिर की जो बुद्धि है, जो समस्याएं हैं, जो डिफिकल्टीज है, वे सब समर्पित हो सके। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को समर्पित करना है, एक साथ तुम्हारा शरीर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए साक्षरूप एक एक अंग को समर्पित किया जाता है और किया जाता है पूर्णता के साथ वापिस लिया जाता है। ओम श्रो तां पूर्वा अथास्मान सा चरत्वां पूर्वा अथास्मान सा छदा साम दीर्घा अथास्मान समस्त द्वेष दुख दारिनाथी पूर्ण श्याम वहां पूर्ण शांति प्राप्तानुपन्नताम दीर्घा दर्पण कांति श्रह स्थापयामि साम त्वा पूर्ण श्याम महासं समर्पयामि नमः। तत्रादु नेत्रै साम चक्षु गांधि चल चक्षु नेत्रै सा प्रदांति दिव्य चक्षु प्राप्ता नित्यम चल चक्षु काम समर्पयामि नाचिको सा दुर्गंधम गंधम सा समर्पयामि तान प्रादु दिव्य गंधा देव गंधा देवी गंधा दिव्य गंधा साम देवता गंधम प्राप्तयामि तत्रादु सा मुखे साम अशुभ वाक्य नाम पुरुष्याम सासवान सोचता मिलता वेद वाक्य अनुसार तुम सस्वती माम पूर्वा कंठे बाप देवी स्थापयामी ओम बागाम पुरुष्याम सासमान अनुसार कल्याण उपासमान इंद्रा विद्वाय बलाय तत्र वक्षस्वरे विष्णु माम ओम विष्णु राजु विष्णु श्रेष्ठ विष्णु शिवशिष्टो भ्रोसी वैष्णव विष्णु द्वारा पुरुष्याम अथो पाहु इंद्रो ओम इंद्राग्नि आगतभूषण बहुवरणी अस् पाहु विवेकिदान साम पुरुष्याम फल फल ओज सा पुरुष्याम पदे हरे सा हरे गुरु स्थापयामि अथात्मान कर्णो साम पुरुष्याम द्विदुर्ग मध्ये साम समाधि पुरुषाम समुद्रम ताम प्राम पुरुषाम धामं कर समुद्र ताम दीर्घाया पुरुषाम नो गुरु आवाया आत्मे हिन्यो गुरु स्थापयामि ना तत्प्राप्त हुए अन्नपूर्णाम स्थापयामि ना ओम अन्नम वदाम पुरुषाम दीर्घा युतो आरे बला यवच्च से कुपदा स्वांति पुरुषा ए सांगी अन्नपूर्णाम सम्मक सांग सौभाग्यम सांग किंतु दे तत्प्राप्त जंगायाम यमा स्थापयामि यमा यत्वा मखा यत्वा पूजस्या तुसाम दीर्घा यत्वा प्रादि दीर्घा ताम तुम्हारा पुरुषे मुखात्मानु तत्ता मुमा पावो पुनः स्थापयामि ना ओ पाम पुरुष्याम भस्मान दिया सिमति पुरुष्याम राधमान दिया किंतु नहीं तत्ता दो दिपान सा पायो चरणो साम दस दिपान उन्दवार रोचाम जी पुरुष्याम भस्मान दिया जी तातु प्रच्छो पुनः स्थापयामि बला निंदा गुरुजन सांगी समस्त सुले जो आवायाम स्थापयामि ताम दिया स्वायु बला यह वर्षते सुपुजा स्वायु सर्वा अगो उदीर सर्वा ब्रह्मा अस्पक्षालम आगोली संकल्पों को याद अब दाहिने हाथ में जल लीजिए कुमकुम अक्षत तीनों मिलाइए राइट हैंड और मैं संकल्प ले रहा हूं कि आज से तुम्हारा शरीर मेरा शरीर है और मैं शरीर को प्राणों को जिस प्रकार से चाहूं उपयोग कर सकता हूं, इसलिए इस श्लोक का अर्थ मेरा ये होगा। संकल्प का मतलब है कि यह पूर्ण समृद्धि रूप में मैं आपको अपने आप को समर्पित करता हूँ और जैसा भी है जिस प्रकार का भी है मैं तो आपको प्रदान करता हूँ, आप जैसा भी मुझे वापस लौटा सके ये आपके हाथ में ये मूल की भावना है। बाएं हाथ में बाएं हाथ को बंद कर दे ओम पुरुष श्याम आसमान सात दिन वर्ग मा दीर्घा साय बल आय गुरु श्याम
अदात्मानं पुरुषोदो सुरभिरायस्वामनिदा अदात्मानं कल्याणं पुरुषां लघुनिदर्भि तां पुरुषां भुजमासि गुरुवा अदात्मानं समुद्रासि मा समस्त धर्म उपदेश कपड़े दूर असत्यम विस्तार आंति समस्त देह मलिना गंधर सां गंधा सां पुरुषां दस्मानु सा गंधर सत्सज्ञान सा बीजां सत्यजन्या मा पुरुषां दस्मानु समस्त शरीर अंग प्रत्यंगी वाम आयामी तम प्राण मम प्राण तम देह तम जीव मम जीव ताम ये प्राण ये जीव ये जीव ये देव ये देव समस्त माम नुमा नीचे पुरुषा अथा स्वामी समुद्र साक्षी ताम जगत साक्षी सूर्य साक्षी गुरु साक्षी ताम नुमा पूर्ण समिधो काम चले स्मृत्यामी जमीन पर करते दसों दिशाओं को प्रणाम करती है ओम पूर्व इंद्रा अभिमानिषा नदी की उमा भो इंद्रा विधि दक्षिणा परिदक्षा अभिमानिषा शांति कथा प्रत्येक नाम विषय का काम वर्धा बंधु काम पूर्व वेदारिम इंद्रिदारिम काम वेदारिम अगर वेदारिम दस उपादाया पुरुष नो रक्त रक्त मां गुरु सपनाम जम संपर्ण दे बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में चावल लीजिए और कुमकुम से थोड़ा रंग दीजिए और चावलों को एक एक करके अपने शरीर पर सिर पर डालिए जिससे कि तुम्हारा सारा शरीर आबद्ध हो सके किसी प्रकार के शरीर पर कोई आक्रमण नहीं कर सके किसी प्रकार का तांत्रिक प्रयोग नहीं हो सके किसी प्रकार का शरीर कट नहीं सके अकाल मुक्ति नहीं हो सके जीवन में कोई तकलीफ नहीं हो सके क्योंकि अगर जीवन में तकलीफ ही होगी तो फिर साथ नहीं कैसे कर पाएंगे इसलिए शरीर को बांधने की क्रिया पूर्ण रूप से रक्षा प्रयोग है अपने एक एक चावल गिराने को सिर पर डालोगे अपने सिर के बाएं हाथ से बाएं हाथ में चावल है ओम अक्षोणम बालगानम वैष्णविमानम बालकमुत्कीरामि जन्मेतमासुर्यम समायोजिकानेन प्रतिमा पुरुषामदात्मानं कल्याणं भवति दीर्घायुष्माय बलाय वसुपुत्र स्वाम सांगीरा एकदारु सुपुत्र पुण्यामादिदीरादि ताम दीर्घायुष्माय वासुदे रक्षा रक्षता पुरुषामतम स्वामि सांगदोतो द्वानातम सर्वलोकवानातम सर्वभूवानातम सर्वकारमत्यवानातम सर्वव्याधिनिवानातम सर्वपीडनिवानातम सर्वफलनिवानातम अब आप जो नारियल है उस नारियल को अपने हाथ में ले लीजिए जो छोटा नारियल है या बड़े नारियल है तो उनको जीवाना देवाना तू आगे नंगड़ना ले दूंगा मेरे उधर से पुण्यांगा दोनों ले लीजिए तो दोनों ले लीजिए संपूर्ण जीवन माला श्री ब्राह्मण से वाजे धनगणनांगीर्षंगांगीर्ष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 ंगीर्
दक्षिणाम पांतो आरोग्य वस्तु दीर्घ आयु श्रेय शांति तुष्टि तुष्टि चाहती विज्ञान योग बहुपुत्र बहुधनम चारों चारों जातों का सर्वा वेद युक्तिया चंद्रमा मास प्रसोदन ज्योति कात्यंगितम श्रीमानितम भगवती रद्दी कृतम उसी सिद्धि कृतम उसी पुष्टि कृतम उसी सुधीरम भगवान तो वीर नायक पिता सदा कुलदेवता पिता सदा ग्राम देवता पिता सदा इस देवता पिता अदास्त ब्रह्म विषा अदास्त परिपंथिना अदास्त विघ्न कर्तार शत्रु पराभवम या तो मान्य तो उड़ाने चाहूं तो भगवान हो चाहूं तो भारी होता हूं तो संतोष हुआ तो संतोष हुआ न संतोष हुआ और क्या संतोष महोरात्रि शिव चाहता हूं ना के मुझे दीर्घा विश्वास गुरुष्ठा मदास मानू सदा दीर्घा विश्वास गुरुष्ठा अदास मानू शिव समिधो सब गुरु सायुज्य कामना को देव वाचक में पशुना यदि संपर्क नारियल को अपने सामने रख दीजिए।